हल्द्वानी के प्राचीन शिव मंदिर में आयोजित होने वाली भगवान श्री राम बारात को लेकर कमेटी के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता की है। इस वार्ता में नगर संरक्षक रूपेंद्र नागर ने कहा कि 15 अक्टूबर को भगवान श्री राम की भव्य बारात लटूरिया आश्रम से निकाली जाएगी, जिसमें हरिद्वार से लगभग 50 संतों की टोली, विश्व हिंदू परिषद की झांकी और जयपुर की शहनाई मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। अध्यक्ष धर्मेंद्र गुप्ता ने कहा कि अयोध्या से संदीप सिंधी द्वारा भेजी गई मेहंदी को हजारों महिलाओं द्वारा लाया जाएगा। वहीं मीडिया प्रभारी हेमंत साहू ने कहा कि राधा कृष्ण मंदिर को अयोध्यापुरी की भव्यता के साथ सजाया जा रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, श्री राम जी की बारात जो निकल रही है भव्य रूप से, प्राचीन शिव मंदिर कमेटी इसका संचालन कर रही है और इसमें सभी लोगों का विशेष रूप से सहयोग मिल भी रहा है। और इसके साथ अयोध्या से ही जो वहाँ राम मंदिर बना हमारा, उसकी एक छवि भी हमने यहाँ मंगवा रखी है, जो अयोध्या से ही आ रही है यहाँ पर, जो हमारी राम बारात के रूप में शामिल भी रहेगी। और एक हमारी टीम और है इसमें साथ में, जो हमारी 50 महिलाएं हैं, 50 पुरुष जो रहेंगे हमारे उसमें। हमें श्री रामला कमेटी द्वारा एक जिम्मेदारी सौंपी गई है प्राचीन शिव मंदिर समिति को, श्री राम बारात आयोजन की, जिसकी तैयारी हमारे कार्यक्रम संयोजक हरिमोहन अरोरा जी, अध्यक्ष धर्मेंद्र गुप्ता डीके जी, इनके नेतृत्व में हमारे सभी प्राचीन शिव मंदिर समिति के सभी साथी पूरी तैयारी में है। हल्द्वानी शहर को दुल्हन की तरह सजाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं। इस राम बारात में सभी की सहभागिता है, महिलाओं की, पुरुष की, युवाओं की, बुजुर्गों की, सामाजिक संगठनों की, राजनीति द्वारा भव्य राम बारात निकालने की तैयारी है। इसमें माँ काली का अखाड़ा, हनुमान जी की झांकियाँ मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे और हजारों की तादाद में शहर भर के भक्त इसमें शामिल होंगे और राम बारात ऐतिहासिक राम बारात होगी। और 14 तारीख को यहाँ पर मेहंदी का कार्यक्रम होगा, जिसमें हजारों की तादाद में महिलाएं एक दूसरे को मेहंदी लगाएंगे और अयोध्या से मेहंदी भगवान के चरणों से आएगी। आपका नाम? हेमंत साहू, मीडिया प्रभारी, प्राचीन शिव मंदिर कमेटी।